हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज हमें एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर शुरू करना है और मोस्टली हम आज इसको एंड भी करेंगे, प्रोविजंस एंड रिजर्व। इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर एक चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है लगभग, और कई चैप्टर्स में हमने इसके बारे में स्टडी भी किया है। आज थोड़ा सा उसको हम प्रॉपर तरीके से समझ के, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे होते हैं मेरे बच्चे, उनका क्या यूज है, क्या उनका मतलब निकल के आता है, फिर इस चैप्टर को हम प्रॉपर तरीके से एंड करते हैं। मैंने कुछ बोर्ड पे आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको इसको नहीं पढ़ना, नहीं लिखना। ये वो चीजें हैं जो हम पहले इस चैप्टर को समझने के बाद फिर मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, अभी देखने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको पहले इसमें जो वर्ड है आपका प्रोविजंस एंड रिजर्व में प्रोविजन, पहले मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ प्रोविजन क्या होता है। एंड प्रोविजन को जानने के लिए मेरे बच्चे आपको दो वर्ड को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, एक है लायबिलिटी और एक हमारा प्रोविजंस। जब हमें ये बातें समझ में आ जाएंगे फिर मैं रिजर्व पे आऊंगा, और रिजर्व प्रोविजन और लायबिलिटी से कैसे डिफरेंट हम वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं हम इनको समझते हैं। देखो, लायबिलिटी में मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे कि क्रेडिटर्स। आपको लिखना नहीं है, आपको बस सुनते चले जाना है, जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है। लायबिलिटी में जैसे कि क्रेडिटर्स होता है, जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी लायबिलिटी है। बैंक लोन ये हमारी लायबिलिटी है। आप इन बातों को जानते हैं, आपने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है, आगे हम बढ़े। ये लायबिलिटी होते हैं मेरे बच्चे। तो आप जरा देखो लायबिलिटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपका यहां पे क्या जी कि ये जो क्रेडिटर्स हैं इनका पेमेंट करना। जैसे मान लो मैं कहता हूं क्रेडिटर्स 5000 का अमाउंट है, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी या लोन आपका 5000 का अमाउंट है, इसका मतलब होता है कि इनको इतना हमें पे करना है। मतलब ये एक तो नॉन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी का मतलब होता है कि ये हमें पता है कि हम कितना पे करेंगे, किसको पे करेंगे, दिस इज कॉल्ड द नॉन लायबिलिटी। पहले से हमें पता है जी कि हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, क्रेडिटर्स हमारे कौन है वो भी हम जानते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे वो इम्प्लॉय कौन है जिनको हमें पेमेंट करना है। बैंक लोन किस बैंक से लोन लिया है ये आपको पता है, दिस इज कॉल्ड नॉन लायबिलिटी। नॉन मतलब हम पहले से जानते हैं कि हमें किसको पेमेंट करना है। प्लस अमाउंट जो आपका पेबल है, अमाउंट जो आपका पेबल है, अमाउंट जो आपको पे करना है इज सर्टेन। मेरे बच्चे अमाउंट जो पे करना है ना वो भी आप पहले से जानते हैं, हमें क्रेडिटर्स को इतना पे करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को इतना पे करना है, बैंक लोन को इतना पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को इतना पेमेंट करना है। दे आर कॉल्ड लायबिलिटीज क्योंकि ये नॉन लायबिलिटी है मेरे बच्चे। हम लायबिलिटी का नाम और अमाउंट दोनों जानते हैं कि कितना आपका है। लेकिन प्रोविजन में क्या होता है, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं। जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मैं क्या बता रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स एक होता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर मान लो वारंटी, वारंटी हमने कोई प्रोडक्ट बेचा है, मैंने एसी बेचा है, और मैंने एसी जब बेचा है तो मैंने इस बात की गारंटी दी है कि एसी 3 साल तक ठीक से काम करेगा, अगर काम नहीं किया तो जो भी खराब होगा मैं उस चीज को ठीक कर दूंगा। मतलब मैं ठीक कर दूंगा, एक ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है कि अगर एसी खराब होता है, उसका फैन, उसका कंप्रेसर, उसका कुछ भी, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा या रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे बच्चे यहां जरा देखो, इनके बारे में अगर बात करता हूं ना, ये प्रोविजन, तो ये भी एक आपका लायबिलिटी है। टैक्स हमें पे करना है मैं जानता हूं, वारंटी हमें देना है मैं जानता हूं, मतलब ये भी क्या है आपका एक नॉन लायबिलिटी है। लायबिलिटी है मतलब ये लायबिलिटी आपकी है, लेकिन मेरे बच्चे टैक्स हमें कितना पे करना है, टैक्स हमें कितना पे करना है वो एग्जैक्ट हमें अभी नहीं पता। सर ऐसा क्यों नहीं पता? एक्चुअली थोड़ा सा बड़े हो जाओ आपको पता चलेगा, इस साल के इनकम पे हम अगले साल टैक्स पे करते हैं। तो जब अगले साल टैक्स पे करने जाएंगे उस टाइम पे टैक्स रेट क्या होगा क्या नहीं होगा हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता मेरे बच्चे। रेट कम हो सकता है, बढ़ सकता है, तो हम एक एस्टीमेट लगाते हैं। यानी कि आप देखो जरा, इनका भी पेमेंट करना कन्फर्म्ड है, पे तो करना है, लायबिलिटी तो बनेगी, लेकिन वो अमाउंट कितना होगा अमाउंट अभी आपको पता नहीं है। तो नॉन लायबिलिटी है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो कहते हैं अनसर्टेन अमाउंट है, अनसर्टेन अमाउंट है,
यहां पे अमाउंट क्या है आपका अनसर्टेन है, यहां पे अमाउंट क्या था आपका सर्टेन था, लेकिन ये क्या है जी अनसर्टेन है। प्रोविजन फॉर वारंटी, हमने वारंटी दिया है, हमने वारंटी दिया है कि ठीक है जी अगर मान लो कि आपका सामान खराब हो गया तो हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये तो कंफर्म्ड है कि अगर लायबिलिटी बनती है तो हमें आपका पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन कितना खर्च करना पड़ेगा वो अमाउंट आपको नहीं पता। तो यहां पे अमाउंट सर्टेन होता है, यहां पे अमाउंट आपका अनसर्टेन होता है, दोनों में जो फर्क बता रहा हूं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पे जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये डेटर्स हमारे डूबेंगे, मैंने आपको फाइनल अकाउंट में पढ़ाया हुआ है, डेटर्स हमारे डूबेंगे, लेकिन वो कितना डूबेगा अमाउंट आपका क्या है अनसर्टेन आपका है। तो प्रोविजन जो बनता है, एक तो आपका लायबिलिटी के लिए या फिर मान लो कोई आपका एक्सपेंस के लिए या फिर कोई लॉस के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये लायबिलिटी एक्सपेंस या लॉस जो फ्यूचर में होगा ये तो पक्का है कि होगा, ये होना उनका सर्टेन है, लेकिन वो अमाउंट कितना होगा वो अभी अनसर्टेन है मेरे बच्चे। अमाउंट 0 होगा, 2 रुपए होगा, 5 रुपए होगा, 5 लाख होगा, 20 लाख होगा, ये अभी आपका पक्का नहीं है। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर आपका टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर हमें रिपेयरिंग कराना है लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा वो नहीं पता। उसी तरीके से मेरे बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया वो भी एक एस्टिमेट ही तो है, कौन कह सकता है कि मेरा मशीन पे जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो एग्जैक्ट वही अमाउंट है जितना हमारी वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज हुआ, ऐसा कहना मुश्किल है मेरे बच्चे, ये सारे एस्टिमेट होते हैं। तो जहां पे अमाउंट आपका अनसर्टेन होगा, जहां पे अमाउंट आपका सर्टेन नहीं होगा, वहां पे हम प्रोविजन बनाते हैं। सर ये प्रोविजन क्यों बनाते हैं मेरे बच्चे, इसका भी एक अच्छा रीजन आपका है अगर कहा जाए तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो जी इस साल के जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेज हैं, इस साल जो आपने रेवेन्यू अर्न किया मतलब जो आपने सेल किया, इससे जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेज हैं, जितने भी उनको करंट ईयर में दिखाओ, चाहे वो आपका पे हुआ चाहे पे नहीं हुआ, चाहे वो कन्फर्म्ड हुआ चाहे वो कन्फर्म्ड नहीं हुआ, हमें दिक्कत नहीं है, इस साल का जो जुड़ा हुआ खर्चा वो इस साल का प्रॉफिट लॉस में दिखाइए। तो मेरे बच्चे इसलिए कॉन्सेप्ट आया प्रोविजन का, मतलब अगर मान लो हमें लगता है कि जो हमने जो सेल किया उसमें से कुछ अमाउंट डेटर्स के रूप में है और शायद उनसे पैसा आगे कुछ डूब सकता है, हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने जो मशीन यूज किया वो कुछ आपका वैल्यू कम हो गया, वो कितना कम हुआ हमें एक एस्टिमेट लगाते बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हमने जो गुड्स बेचा है उसपे हो सकता है कि आगे कुछ रिपेयरिंग आपका खर्च करना पड़ जाए, बट कितना खर्च करना पड़ जाए हम प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाते हैं, मतलब दीज आर कॉल्ड द प्रोविजंस आपका। तो दोनों में फर्क समझेंगे, जनरली बाहर में डिस्कशन होता है कि यार लायबिलिटी में और प्रोविजन में क्या फर्क है, तो आप उनको बताना लायबिलिटी एक नॉन लायबिलिटी है, नॉन लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी होगी वो सर्टेन है और उसका अमाउंट भी आपको पता है, लेकिन प्रोविजन जो बनता है मेरे बच्चे लायबिलिटी के लिए भी बनता है, एक्सपेंसेज के लिए भी बनता है या फिर लॉसेज के लिए भी बनता है, वो जो फ्यूचर में क्रिएट हो सकते हैं, माफ कीजिए वो जो फ्यूचर में होंगे पक्का, ये होंगे पक्का, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो अमाउंट आपको अभी पता नहीं है। तो जब अमाउंट अनसर्टेन होता है वी क्रिएट आपका यहां पे क्या प्रोविजन, बात समझ में आ रही है। तो हमने कई बार ऐसे वर्ड यूज किए थे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमें टैक्स पे करना है बट कितना पे करना एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये सारी बातें आपको यहां निकल के आएगी मेरे बच्चे। इन्हीं बातों को मैंने यहां पे आपको समझाया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं, जरा सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहां पे रेड ले लूं। और हां जब ये पूरा का पूरा मैं डिस्कशन कर जाऊंगा, जब सारी बातें आपको समझा दूंगा तो फिर वीडियो को पॉज करके यहां तक लिखेंगे, फिर उसके बाद रिजर्व वाले पार्ट में हम एंट्री करेंगे। तो मैं आपको बता दूं पहले क्या है प्रोविजन, क्या होता है प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं चार्ज करते हैं, ध्यान रखना जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो जैसे यहां पे टू रेंट आप टू सैलरी, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम सारे खर्चे दिखाते हैं, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है।
इसको इसके होने से क्या होगा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो कम होगा, और होगा ही होगा। जब खर्चे कुछ दिखाएंगे आप तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि प्रॉफिट कम होगा। इसलिए कहा गया मेरे बच्चे कि प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी और लॉस। नॉन लायबिलिटी मतलब कोई लायबिलिटी जो फ्यूचर में होगा वो तो पक्का है, या कोई लॉस या फिर कोई एक्सपेंस फ्यूचर में होगा पक्का है, लेकिन द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। आप उसके अमाउंट को एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि वो कितना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब जीरो भी हो सकता है, मतलब हमने प्रोविजन फॉर रिपेयर बना लिया कि हमें कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ सकता है, हो सकता है कि रिपेयरिंग ना कराए, जीरो हो गया, बट वो भी एक अनसर्टेन अमाउंट है, हमें नहीं पता कि अमाउंट कितना आपका होगा। हम बेस्ट एस्टिमेट लगाते हुए सब कामों को करते हैं ताकि अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट करंट ईयर का निकाला जाए तो जितने सारे वो एक्सपेंसेज है जो हो चुके हैं या फिर आपका एस्टिमेट है कि वो होगा, उन सबको प्रॉफिट लॉस में दिखाए और जेन्युइन प्रॉफिट निकाला जाए। मेरे बच्चे यही हमारा मोटिव होता है। तो वही कहता है, मैं दोबारा पढ़ दूं कि प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड, एक अमाउंट जो हम अलग से रखते हैं बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर ए नॉन लायबिलिटी और लॉस द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। इट इज चार्ज टू इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस दिखाते हैं विथ बेस्ट एस्टिमेट। बेस्ट एस्टिमेट मेरे बच्चे कंपनी के जो मैनेजमेंट है जिसमें कल को आपको जाके काम करना है, आप बेस्ट एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारे मुताबिक अमाउंट कितना होना चाहिए। वो एस्टिमेट सोच के या सो कर नहीं आता मेरे बच्चे, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, कई वर्षों से हम आपका रिपेयरिंग का कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं तो और कितना खर्च हो सकता है। कई वर्षों से हम यहाँ पे आपका मेरे डेटर्स डूब रहे हैं तो इस साल और कितना डूब सकता है, ये सारे एस्टिमेट हम लगाते हैं, वो बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एग्जांपल में क्या होगा, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्रोविजन हम बनाते हैं? तो मेरे बच्चे प्रोविजन बनाने का मोटिव है कि जितने भी एक्सपेंसेज या लॉसेज है इन द ईयर शो करना इन विच दे आर रिलेटेड, जिस साल से वो रिलेटेड है उस साल में ही उस खर्च को दिखाना, फॉलोइंग एक्रुअल एजम्पशन, एक्रुअल ड्यू हो जाना, जो करंट ईयर का है उसको करंट ईयर में दिखाए। तो इस एजम्पशन के चलते हम इसको आपका बनाते हैं। फीचर्स क्या है, फीचर्स का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स। आपसे एग्जाम में करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है कि जरा बताओ क्या होगा या फीचर क्या होगा। तो फीचर क्या, जो हम जानते वही तो होगा मेरे बच्चे। ये एक तो फीचर का मतलब उसका, आप उसके बारे में क्या जानते हो, वो चीजें क्या है, उसका फीचर कैसा है, मोबाइल का फीचर कैसा है, मोबाइल दिखता है, स्लिम है, ये सब बातें होती है ना, वही फीचर बताएंगे। क्या जी, कि ये प्रॉफिट से सेट असाइड किया हुआ अमाउंट है, पहला फीचर हो गया, समझ रहा हूं, बाकी पढ़ लेंगे बाद में। प्रॉफिट से सेट असाइड किया हुआ अमाउंट है। सेकेंड, ये दिया जाता है, प्रोविजन बनाते हैं फॉर ए नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंसेज और लॉसेज विच मे अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है बच्चे, ठीक है ना, फ्यूचर में जो होगा उसका, जो आपका यहां पे रिपीट कर रहा हूं, नॉन लायबिलिटी जो लायबिलिटी सर्टेन है या फिर वो लॉसेज एक्सपेंसेज अभी आगे हो सकते हैं, उनके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। और हाँ, ये प्रोविजन जो बनता है विथ बेस्ट एस्टिमेट बनता है, ये भी एक फीचर हुआ, बिकॉज अमाउंट जो है इट्स अभी नॉट सर्टेन, तो अमाउंट अगर सर्टेन है तो हम एस्टिमेट ही तो लगा सकते हैं, ये एक एस्टिमेट। और हाँ, ये हम क्यों करते हैं जी, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एक्यूरेट, प्रॉफिट को एक्यूरेट निकालने के लिए हम ये आपका काम करते हैं। मेरे बच्चे इन्हीं बातों को लिखना है, जो आप इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए निकाला, डाउटफुल डेट्स के लिए निकाला, रिपेयरिंग के लिए, जो आपको पता है इसका एक पर्पस के लिए आपने पैसा निकाला हुआ, अलग सा किया हुआ है। द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोविजन इज टू मीट एंटीसिपेटेड लॉस, जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है, अ नॉन डिप्लेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स में डिप्लेट मतलब वैल्यू कम होने के लिए हम इसको बनाते हैं, जो वैल्यू कम होता है उसके लिए बनाते हैं, या फिर एक लायबिलिटी विच हैज बीन अराइजिंग, जो लायबिलिटी हो चुकी है लेकिन अभी अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे समझना है क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। प्रोविजन क्यों बनाते हैं जी,
आपका एंटीसिपेटेड लॉस, जो लॉस फ्यूचर में हो सकता है, वारंटी में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, रिपेयरिंग में कुछ पैसे खर्च होते हैं, तो एंटीसिपेटेड लॉस और एक्सपेंस, वो लॉस या एक्सपेंस जो फ्यूचर में हो सकते हैं, हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं विथ बेस्ट एस्टिमेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता। या फिर एक नॉन लायबिलिटी, या फिर एक नॉन लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो मैं जानता हूं कि होगा बट अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, अमाउंट कितना होगा हमें नहीं पता। तो मेरे बच्चे वही बातें कह रहा है, दोबारा सुनिए, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोविजन इज टू मीट एंटीसिपेटेड लॉस, अ नॉन डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिप्लेशन मतलब वैल्यू कम होना, और ए लायबिलिटी विच हैज बीन अराइजन बट द अमाउंट इज नॉट नोन एक्यूरेटली। लायबिलिटी अराइज हो चुका है, हमें टैक्स पे करना है, लेकिन कितना पे करना अमाउंट नहीं पता। हम लोग कोई केस हार चुके, मेरे ऊपर आपने कोई केस कर दिया था और वो केस में हार चुका, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ जी ये आपका सर ने केस हार गया और सर को उनको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कितना पेमेंट करना पड़ेगा अभी कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया, कहा कि ठीक है हम आपका 20-30 दिन के बाद अगले आपका जो यहाँ पे हियरिंग्स होंगे हम उसमें अमाउंट बताएंगे। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी मेरे ऊपर में सर्टेन है कि मुझे उस आदमी को क्लेम पे करना पड़ेगा, लेकिन कितना पे करना पड़ेगा अभी अमाउंट हमें नहीं पता। हम यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ जी इतना हो सकता है कि वो हमें पे करना पड़े। तो प्रोविजन फॉर आपका क्लेम, प्रोविजन फॉर डैमेजेस हम बनाते हैं, प्रोविजन आपका अकाउंट्स में आपको देखेंगे प्रोविजन फॉर डैमेजेस बनता है, प्रोविजन फॉर आपका क्लेम बनता है, प्रोविजन फॉर वारंटी बनता है, बहुत सारी बातें होती है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे कहता है कि आपका कहा गया, ये आपका हुआ तीसरा, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस, डिप्लेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या लायबिलिटी इज नॉट एज सर्टेन। यहाँ पे क्या बताया जी, एक अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट हम सेट असाइड करते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। पहला ये क्यों बनता है, पर्पस क्या है, तो टू मीट आपका एंटीसिपेटेड लॉस, नॉन डिप्लेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स और ए लायबिलिटी विच हैज बीन अराइजन बट अमाउंट इज नॉट नोन एक्यूरेटली। तीसरा कहता है कि ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं जब अकाउंटिंग जिस दिन होती है, जिस दिन हम अकाउंट्स बनाते हैं उस दिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं जी प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, और इट इज चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस में चार्ज यानी कि एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो फिर बच्चे ये चीजें जो मैंने आपको समझा दिया ना, उसी को एग्जाम में मीनिंग पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर वो फीचर्स पूछता है, करेक्टरिस्टिक्स पूछता है, नेचर पूछता है, नेचर कुछ भी ऐसे वर्ड यूज करेगा तो आपको उन्हीं को तीन चार पॉइंट पे बता देना जो अल्टीमेटली हमने समझा था। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोविजन क्यों बनाते हैं, तो प्रोविजन बनाने का सबसे मेन जो रीजन है मेरे बच्चे वो है आपका एक्चुअल प्रॉफिट करंट ईयर का निकालना। एक्चुअल एक होता है, अभी आपको थ्योरी मेरे साथ पढ़ेंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कहता है कि भैया फ्यूचर में जितने सारे लॉसेज हो सकते हैं, एक्सपेंसेज हो सकते हैं, वो अभी आप एंटिसिपेट कर लो और अभी उसकी अकाउंटिंग कर लो। तो हम करते हैं मेरे बच्चे कि हम कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस फ्यूचर में है जिसका अमाउंट अनसर्टेन है, हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये हमारा एक तो आपका क्या निकल गया, इंपोर्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, एक तो हमारा ये निकल गया। प्रॉफिट एग्जैक्ट आप सही निकाल पाओगे, इस साल के खर्चे हम इस साल के प्रॉफिट लॉस में दिखा रहे तो हम प्रॉफिट सही निकाल पाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि प्रोविजन बनाने से क्या होता है कि इस साल के एक्सपेंसेज का या लॉसेज का इंपैक्ट अगले साल के प्रॉफिट लॉस में नहीं पड़ता, इस साल के खर्चे इस साल में, अगले साल खर्चे अगले साल में। तो अच्छा लगता है सुनने में, ये नहीं कि भैया इस साल का जो आपका खर्च है, लॉस है इस साल के डेटर से, उनमें से कुछ पैसा अगले साल डूब गया तो अगले साल खर्च दिखा दो, ये ठीक नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस साल खर्चे इस साल हो, ताकि अगला जो आने वाला ऑपरेटिंग ईयर है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, वो अनडिस्टर्ब रहे, अगले वर्षों का जो प्रॉफिट परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब आपका ना हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको वही सब बातें बताई हुई है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑल लॉसेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज आउट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर इनटू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये जरूरी है, ये करना आपका। इट इज मेड टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्टर्ब, अभी जो समझा रहा था कि इससे क्या होता है, फ्यूचर में जो आपका परफॉर्मेंस है, फ्यूचर का जो वर्किंग है वो अनडिस्टर्ब होता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, इस साल खर्चे इस साल ही दिखा दिए।
प्रोविजंस आर मेड फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अभी मैं बता रहा था प्रूडेंस का मतलब होता है कि इस साल अगर आप कोई एस्टिमेट लगा सकते हो जो फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेज या लॉसेज हो सकते जो करंट ईयर से जुड़े हुए उसको इस साल में दिखाइए। और इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग करेक्ट प्रॉफिट एंड रियल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सही प्रॉफिट जो है करेक्ट प्रॉफिट है उसको निकालने में आपको हेल्प करता है। बात समझाई? तो मेरे बच्चे आप लिख लो यहाँ पे ये सब आपका प्रोविजंस के बारे में। एग्जाम में कभी थ्योरी आ जाए कि क्या मतलब होता है तो आप उसको बता सकते हैं, आप इसको कॉपी कर लेंगे। बट दो मिनट मेरी बात दोबारा सुन लो। अगर आपको अब समझना है कि हमारे प्रॉफिट लॉस में दो नाम है, एक है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम सैलरी में एड करके खर्च के रूप में दिखाते हैं। तो बच्चे वहां पे सैलरी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग जो बकाया है वो तो पे करना कंफर्म है और एग्जैक्ट अमाउंट भी हमें पता है किसको पे करना है, मतलब लायबिलिटी भी सर्टेन है अमाउंट भी सर्टेन है। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये तो पक्का है कि ये होंगे फ्यूचर में होंगे, बट कितना होगा हमें नहीं पता। तो वो लायबिलिटी, वो लॉसेज या वो एक्सपेंसेज जो होंगे वो पक्का बट एग्जैक्ट अमाउंट कितना हमें नहीं पता, वी क्रिएट प्रोविजन फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है मेरे बच्चे? तो ये आप यहाँ कॉपी कर लीजिए। फिर मैं थोड़ा सा इसको हटाकर और रिजर्व के बारे में थोड़ा सा लिखूं ताकि हम लोग का टाइम बचे, समझाने में ज्यादा टाइम जाए अच्छा लगेगा। और हाँ याद रखना, लिखना है आपको तो वीडियो को पॉज करेंगे, आप यहां तक लिखेंगे तो उसके बाद में रिजर्व वाले पार्ट पे एंट्री करता हूँ। आप प्लीज कॉपी करें, इसको कॉपी कीजिए। आइए जरा अब हम देखते बच्चे रिजर्व के बारे में, रिजर्व क्या होता है। लेकिन रिजर्व को समझने के पहले थोड़ा सा आपको दो मिनट, अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है, अभी इसकी कॉपी नहीं करनी है, पहले क्या लिखा मैं उन बातों को आपको समझा दूं, फिर उसको डिटेक्ट कर दूंगा, उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करना, एंड नोट डाउन जरूर करना क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे समझने में। देखो मैं आपको ना कुछ समझाना चाहता हूं, आप लिखना बंद करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, मतलब मैंने एक साल का अपना प्रॉफिट लॉस कितना कमाया मैं उस चीज को पता करना चाहता हूं। तो मान लो मेरा यहां पे क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना आपको अच्छा लगेगा। ग्रॉस प्रॉफिट मान लो मेरा 8 लाख रुपीज का है, आपको लिखना नहीं बस मेरी बात सुननी है, 8 लाख। मैंने रेंट जो पे किया है वो मान लो कि आपका 40,000 का अमाउंट, ये मेरा एक्सपेंस है। सैलरी आपका यहां पे 30,000, ये भी मेरा एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर, आग लगी और गुड्स लॉस्ट हो गए, मान लो आपका 20,000 का, ये भी मेरा लॉस या एक्सपेंस है। मेरे बैड डेट्स हो चुके हैं, मतलब कुछ डेटर्स डूब चुके हैं, वो अमाउंट कहता है कि मान लो 20,000 का है, ये सारे एक्सपेंस हो चुके हैं मेरे बच्चे, ये सारे एक्सपेंस हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि जो करंट ईयर है, करंट ईयर जो है इससे जुड़ा हुआ कुछ एक्सपेंस जो आगे हो सकता है, अब मैं उनका एस्टिमेट लगा रहा हूं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यानी कि हमें लगता है कि इस साल जो हमारे डेटर्स हैं उनमें से भी अगले साल 10,000 डूब जाएगा, वी क्रिएट प्रोविजन। फिर हमने यहां बनाया आपका प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर मतलब जो गुड्स हमने इस साल बेचा था, जो गुड्स हमने इस साल बेचा था हमें लगता है कि उसमें 5,000 का रिपेयरिंग आगे कराना पड़, सॉरी माफ कीजिए, प्रोविजन फॉर वारंटी आपका, वारंटी यानी कि हमने जो गुड्स बेचा इस बार उसमें से लगता है कि हमें वारंटी पे इतना पैसा खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि सेल इस बार हुआ है, हम इस साल उसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, हमें लगता है कि जो हमने मशीन इस बार यूज किया वो बहुत ज्यादा यूज किया और उसपे 2,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस लग सकता है, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे ये वो लॉसेज या एक्सपेंसेज है जो अभी श्योर नहीं है कि वो कितना अमाउंट होगा, उसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। हम एक क्लेम हार चुके हैं, एक केस हार चुके हैं और लगता है कि उस केस के हारने के चलते हमें 15,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ सकता है, यानी कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, क्योंकि केस इस बार आप हारे हैं, ये लायबिलिटी मेरे ऊपर बन सकती है, उसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं और क्योंकि ये हमें एक एक्सपेंस के रूप में दिखाना, लॉस एक तरीके से हो जाएगा, उसको हमने खर्च के रूप में दिखाया। और फिर इन सबको माइनस करके मान लो नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया वो 2 लाख मान लीजिए, क्योंकि हम फिगर में नहीं जा रहे, 2 लाख का अमाउंट। तो फिर बच्चे ये आपके एक्चुअल एक्सपेंसेज है और ये आपने एस्टिमेट लगाया डूबने का, वारंटी का, रिपेयर का, आगे जो होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, बहुत सारी बातें आपका, ये प्रॉफिट निकल के आ गया, ये प्रॉफिट हो गया।
अब हमें लगता है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है, जरा बताओ ये प्रॉफिट कौन लेके चला जाएगा। अगर मैं एक फर्म की बात करूं ना, फर्म सोल प्रोप्राइटर, तो मेरे बच्चे ये ओनर लेके चले जाते हैं। और अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, तो कंपनी के मालिक जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, इस पैसे को लेकर चले जाएंगे। कंपनी में मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, इस पैसे को लेकर चले जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि जितना प्रॉफिट कमाया हमने वो हमारा ही तो है। मैं अगर हूं अकेले तो मैं अपने घर लेकर चला जाऊंगा, कंपनी में कई सारे मालिक है तो उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, वो घर लेकर चले जाएंगे 2 लाख का अमाउंट। लेकिन जरा सोचो आप कि मैं अपने सीओसी बिजनेस की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लास, आपने नाम तो सुना ही होगा, मैं अपने फर्म की बात कर रहा हूं कि जितना प्रॉफिट मैं कमाता हूं, अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं अपने घर में जाके अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे, अपने दोस्तों पे मैं सारा खर्च कर दूं, तो बताओ फिर मेरे इस कंपनी का, इस बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा मेरे बच्चे। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज, यानी कि पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा। तो जो भी प्रॉफिट हमने कमाया, अगर उन सारे पैसों को मैं खर्च कर दूं, सारे पैसे से मस्ती कर लूं, सारे पैसे मैं अपने फैमिली पे उड़ा दूं, तो मेरे बच्चे बिजनेस को भी तो पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। समझो मेरी बात। अगर ऐसा, अगर रिलायंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, विप्रो का नाम सुना होगा, टाटा का नाम सुना होगा, अगर इस कंपनी के मालिक स्टार्टिंग में जितना प्रॉफिट कमाया, अगर सारे पैसे वो अपने घर में अपने मस्ती पे खर्च कर देते हैं, तो मेरे बच्चे आज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बनती, इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता। तो सर कहना क्या चाहते हो मेरे बच्चे, हर एक कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान करती है, ग्रोथ प्लान करती है, एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहती है मार्केट में, वो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट ओनर को नहीं देती घर ले जाने के लिए। या मैं अगर अपनी बात करूं तो सारा पैसा घर लेके नहीं जाऊंगा, मैं इसमें से कुछ पैसा रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं। मान लो 50,000, मतलब 2 लाख का जो प्रॉफिट कमाया, 2 लाख में सिर्फ 50,000 हमने रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व के नाम पे ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि मैंने अब ये 50,000 घर लेके नहीं जाना, मैं इस पैसे को विड्रॉ नहीं करूंगा, ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा, किस बिजनेस के एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर अगर फ्यूचर में कोई अचानक ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए जो आज एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन शायद फ्यूचर में हो जाए, मेरे बच्चे उन खर्चों को मीट करने के लिए। मैं बिजनेस चला रहा था, सब कुछ ठीक था जी, ऐसे ऐसे काम कर दिए, 2 लाख का प्रॉफिट था, और 2 लाख का प्रॉफिट क्या हुआ कि मैं घर लेके चला गया, सारे पैसे खर्च कर दिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। अचानक क्या होता है कि मान लो मेरे ऊपर में कोई आपका केस आ जाता है और अचानक उस केस को मैं हार जाता हूं। इस केस की बात नहीं कर रहा, अलग से कोई केस जो अभी आगे हुआ और मैं हार जाता हूं और मुझे उसको 20,000 का पेमेंट करना है, कहां से पे करूंगा बताओ जरा। मान लो मेरे बिजनेस में अचानक ही कोई आदमी आ गया, कहता है कि मुझे आपके बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन तब इन्वेस्टमेंट करूंगा अगर मैं ये चीज देखूंगा आपके बिजनेस के अंदर में, वो चीज कैसे क्रिएट करूंगा, पैसे कहां से आएंगे। तो फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए या फिर एक्सपेंशन को प्लान करने के लिए जितना प्रॉफिट हम कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा मेरे बच्चे हर एक कंपनी अलग से रिजर्व के नाम पे जमा करती है, उसी को बोलते हैं हम रिजर्व। तो फर्क समझना, प्रोविजन क्या है, एक आपका ऐसा एक्सपेंस, लॉस या लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकता है बट उसका अमाउंट अभी आपको नहीं पता कितना होगा। लायबिलिटी होगा ये पक्का है, लॉस होगा पक्का है, एक्सपेंसेज होंगे पक्का है, बट उसका अमाउंट कितना होगा एग्जैक्ट नहीं पता। हम प्रोविजन बनाते हैं मेरे बच्चे। लेकिन रिजर्व क्या है, ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये किसी नॉन खर्च के लिए ये आप रिजर्व नहीं बनाते। अनसर्टेनिटी, अचानक फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आ गया उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, ग्रोथ करना, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, इन सब को मीट करने के लिए काम करते हैं। अचानक कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नया टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए, कहां से आएंगे, हम रिजर्व के रूप में रखते हैं मेरे बच्चे। तो वही कहा मैंने, रिजर्व जो होता है, ध्यान रखना, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है ये कभी भी आप प्रॉफिट निकालने तक इसको मैनेज नहीं करते। प्रॉफिट निकालने तक हम किसको मैनेज करते हैं, एक्सपेंसेस को या फिर प्रोविजन को। रिजर्व जो मेरे बच्चे वो इसमें से मैनेज नहीं होता, ये प्रॉफिट निकालने के बाद ये प्रॉफिट में से इसका एप्रोप्रिएशन होता है,
एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, हम उसके नाम पे पैसा अलग अलग करते हैं, इतना रिजर्व में, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, वो बातें निकल के आती है। तो आप समझो जरा, रिजर्व क्या होता है? इट इज क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रोथ, और टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटी विच मे हैपन एट एनी टाइम। कुछ भी फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया, उसके लिए पैसा कहां से आएंगे, तो वो काम हम करते हैं मेरे बच्चे। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा क्या हुआ, आपका यहाँ पे रिजर्व। हाँ, कुछ ऐसे भी रिजर्व होते हैं जो कि कानून के अंदर में लॉ ने कहा है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊं, लेकिन अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे नाम। आगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे, किसी न किसी चैप्टर में आएंगे। एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सुनो, ऐसे रिजर्व लास्ट में इसलिए बता दिया, अभी आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एक होता है डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। ये जो रिजर्व होते हैं मेरे बच्चे, इनका बनाना कंपल्शन है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ने कहा है। सर ये क्यों बनता है? आप कहा ना, कुछ है ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट जहां पे वो कहते हैं कि आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताने कोई फायदा नहीं है, आपको बस नाम याद रख लेना है। जैसे ही बड़े आप होंगे, मैं आपको दिखूंगा वहां पे, और इन सबका मीनिंग आपको बताना शुरू करूंगा। ये पक्का है कि जब अकाउंट पूरा आप समझ जाएंगे, तब तक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल मैंने रिजर्व का मतलब बताया। देखो ना, रिजर्व का मतलब क्या होता है? आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये हम कहां से अलग करते हैं? प्रॉफिट से। लेकिन इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल पैसे का को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए खूब सारे पैसे चाहिए, उसके लिए हम ये काम करते हैं। रिजर्व प्रोविजन क्या था? वो भी प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट था, बट वो क्रिएट क्या था जी? किसी नॉन लायबिलिटी या फिर फ्यूचर आपका जो लॉसेज एक्सपेंसेज हो सकते हैं उनको मीट करने के लिए। बट यहां पे क्या है, बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसको करते हैं, और ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। ध्यान रखना, ये जो है बच्चे, ये चार्ज अगेंस्ट, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट का मतलब कि प्रॉफिट निकालते समय इसको चार्ज यानी कि एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं। ये सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन रिजर्व जो होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, वो तो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन आपका, ठीक है ना। कहते हैं कि रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी लायबिलिटी। ध्यान देना, किसी लायबिलिटी को मीट करने के लिए ये क्रिएट नहीं होता। ये क्यों बनाए जाते हैं? इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन और अननोन कंटिंजेंसी दैट मे अराइज इन फ्यूचर। कुछ ऐसा चीज के लिए, ताकि फ्यूचर में अचानक कुछ हो गया, कोई कंटिंजेंसी है, कोई अनसर्टेनिटी है, अचानक किसी काम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आ गया, हम उसके लिए बनाते हैं। मशीन मेरा काम चल रहा है, हम मशीन पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन अचानक मान लो मशीन कभी बर्बाद हो गया जी, आग लग गई, खत्म हो गया, पैसा कहां से आएगा? हमने तो एस्टिमेट से प्रोविजन इतने का बनाया था, उसके लिए हम पैसा, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट कहा जाता है फॉर मशीनरी। बहुत सारी बातें अभी आने वाली है, तो मैं वो बता रहा हूं आपका यहां क्या, वही एग्जाम्पल में, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन हो गया मेरे बच्चे, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। अभी ये वर्ड आपके लिए नया होगा, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, कंपनी के अंदर में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम जब प्रॉफिट देते हैं, हम उनको बोलते हैं डिविडेंड। कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर्स को हम जब प्रॉफिट ये देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब मान लो कंपनी ने इस साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, तो मेरे बच्चे सारा पैसा हम आपको इस साल डिविडेंड ग्रुप में नहीं देते, कुछ पैसा अलग से रख देते हैं। क्यों रखते हैं? अगर कभी प्रॉफिट हमारा कम होता है, तो उस साल में यहां जो पैसा ज्यादा था, उसमें से निकाल के हम डिविडेंड पे कर देंगे, ताकि आपको एक रूटीन में अच्छा खासा पेमेंट मिलते रहे। डिविडेंड को इक्वलाइज करना, दोबारा सुनिए, जब प्रॉफिट कंपनी ने ज्यादा कमाया, तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा इस रिजर्व के नाम पे हम अलग से निकाल देते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं एक्चुअली डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व आपका, या रिजर्व फॉर डिविडेंड इक्वलेशन, कुछ भी कहते हैं। तो वो पैसा निकाल कर रख देते हैं, अगले साल का भी प्रॉफिट कम होगा तो इसमें से निकालकर हम आपको पे कर देंगे, कोई अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए सब पैसे हम क्रिएट करते हैं, कॉल रिजर्व। कहता है कि ये जो अभी आगे नहीं, बस इतना समझ लो हमने रिजर्व के बारे में क्या बताया। अब मेरी बात सुनना, रिजर्व जो भी होते बच्चे, वो भी दो तरीके के होते हैं, मैं आपको मिटा दूं ये रिजर्व जो आपका, ये भी दो तरीके का होता है। पहले मैं इसको मिटा दूं, फिर आपको तरीके से और समझाऊं, क्योंकि ये आप जो स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअली पूरा नॉलेज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपको समझ में आए।
अभी आप छोटे बच्चे, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पर बच्चे मैंने कहा आपका यहां पे कि जो आपके रिजर्व होते हैं, रिजर्व ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है, अभी लिखना नहीं सुनना मेरी बात, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। फिर ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चे। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है कि जो आप रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाते हो, रेवेन्यू प्रॉफिट। सर ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है मेरे बच्चे? जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो आप क्या करते हो, सेल्स मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं, आप सेल्स यहां लिखते हो, सेल्स में से अपने सारे खर्चे माइनस करते हो, फिर जो प्रॉफिट निकल के आता है मान लो 8 लाख, ये कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब जो मेन आपका बिजनेस है उस बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाते हो हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। मेरा बिजनेस क्या है, मैं अपनी क्लासेस जो है बच्चों को पढ़ाता हूं उनसे रेवेन्यू कमाता हूं, ये मेरा मेन बिजनेस हुआ मेरे बच्चे। इससे जो रिजर्व क्रिएट करूंगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। एक आदमी जो मार्कर को बना के बेचता है तो मार्कर को बनाने से जो प्रॉफिट वो कमाएगा इसमें से जो रिजर्व बनाएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। एक आदमी जो एसी बनाता है वो एसी को बनाकर जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें से जो रिजर्व बनाएगा हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए जो कंपनी का जो ऑपरेशन है, जो काम है, जो एक्टिविटी है, उससे जो वो प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट में से कुछ अगर रिजर्व बनाती है, इसमें से कुछ पैसा अलग अलग रखती है, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। बात समझ में आ गई सर? हाँ। और एक होता है मेरे बच्चे कैपिटल रिजर्व, ध्यान से मेरी बात सुनना। कैपिटल रिजर्व का बिजनेस के ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर सिंपल शब्दों में बात किया जाए तो मेरे जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स या फिर कैपिटल, कैपिटल मेरे बच्चे, इनसे जब हमें कोई फायदा होता है, इनसे कोई फायदा होता है हम उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि मेरा लैंड जो था, लैंड मेरे पास 5 लाख का था, हमने 6 लाख में बेच दिया। मेरा काम लैंड बेचना नहीं है मेरे बच्चे, मेरा काम पढ़ाना है। लेकिन मेरे पास कोई एक लैंड मैंने परचेज करके रखा था बिजनेस में और उसको मैंने 5 लाख में परचेज किया था, 6 लाख में बेच दिया, यहां 1 लाख का फायदा हो गया, ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, हम इसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे इनका सेग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, थोड़े भी बच्चे हैं मैं लिमिटेड वे में आपको समझाता हूं। तो 5 लाख का सामान अगर 6 लाख में बेचा, 1 लाख का फायदा हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मान लो कोई कर्ज हमने 20 लाख का लिया था और उस लायबिलिटी से नेगोशिएशन करके हमने 20 के बदले में 15 लाख का पेमेंट किया। कभी कभी होता है नेगोशिएशन कैसे, वो बात की विषय है। मान लो 20 लाख का कर्ज का पेमेंट आपने 15 लाख किया, 5 लाख का फायदा हो गया, ये भी आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और फिर बच्चे आप जब बड़े होंगे तो आप शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स को जो फॉरफिट जब्त किया जाता है उसमें कुछ फायदा होता है, वो अभी नहीं समझा सकता क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आपको उस मीनिंग सुन लेना मैं क्या बता रहा हूं। तो ये भी आपका क्या होगा जी, कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा रिजर्व दो तरीके का, रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट से, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट से, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई फायदा होगा उससे हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को मेरे बच्चे कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। मतलब दो तरीके का रिजर्व हो गया, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेशन का, बिजनेस का प्रॉफिट आपका, खत्म हो गई बात। कैपिटल प्रॉफिट से हम क्या बनाते हैं? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है जी? तो फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल पे जो फायदा होता है हम उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और वो हम कैपिटल रिजर्व का नाम देते हैं। कैसे, वो बात का है, मैं बस समझाया जा रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितने तरीके के होते हैं? दो, रेवेन्यू और दूसरा क्या, कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, ये रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर ओनर, जो ओनर के लिए रहता है मेरे बच्चे, ये पैसा ओनर के लिए।
या फिर शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी में हम क्या बोलेंगे, अगर मैं फर्म की बात करूं तो ओनर का, कंपनी में क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट किस रूप में देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब वो प्रॉफिट जो ओनर के लिए है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में जो प्रॉफिट देते हैं, मतलब प्रॉफिट आपका, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। दोबारा सुनिए, रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड, निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं कहां से जी, रेवेन्यू प्रॉफिट से। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या, वो प्रॉफिट जो ओनर के लिए अवेलेबल है या फिर शेयर होल्डर्स के लिए। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कहता है कि आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट कहां से होगा, तो मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चे, ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, मैंने नहीं लिखा क्या कहीं पे, नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा, एक लाइन और आप बाद में लिख देना, कहीं लिखा तो था, चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल में बता दिया कि जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये सारे नाम अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, बस थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, बाकी जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट मेरे बच्चे, तो कंपनी ने के कमेंसमेंट के पहले जो प्रॉफिट कमा लिया उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी ने शेयर्स, मतलब ओनर का जो कैपिटल है शेयर, वो 10 रुपए का ज्यादा पे बेचा, जितने ज्यादा पे बेचेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, आगे का विषय छोटे बच्चों का नहीं है, बड़े होंगे तो समझ में आएगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को फॉरफिट करने पे, जब्त करने पे कुछ फायदा हो गया, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे कोई फायदा हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सब कैपिटल रिजर्व आपके होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को रिवैल्यू किया, उस पे कोई फायदा हो गया, हमारे पास 20 लाख का एसेट्स था, बढ़ा के हमने 22 लाख कर दिया क्योंकि वैल्यू बढ़ गया, ये 2 लाख का फायदा हो गया, हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल रिजर्व। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कोई फायदा आपको हो जाना, ये सब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व निकल के आते हैं, है ना, कैपिटल रिजर्व आपका। तो रेवेन्यू रिजर्व दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से, ये कहां से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, ये है क्या, तो फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर कैपिटल, मतलब शेयर पे कैपिटल को कंपनी में हम शेयर कैपिटल कहते हैं मेरे बच्चे, उस पे जो फायदा होगा उनको हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे और कैपिटल रिजर्व से बनेगा आपका, ठीक है ना। अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व है ना, ये जो हम प्रॉफिट से निकालते हैं मेरे बच्चे, ये रिजर्व भी जो है ना, इसमें से जो निकालते हैं, मैं यहां बता दूं, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या बना, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या बना, रेवेन्यू रिजर्व। ये जो रिजर्व हम बनाते हैं, जो प्रॉफिट से निकाल के पैसा रखते हैं, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका यहां पे क्या जी, जनरल रिजर्व, बस सुनते चलो अच्छा लगेगा, ये जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन न्यू जो है मेरे बच्चे, बेस जो है वो यहीं पे लिखा जाएगा आपके इसी क्लास में। रेवेन्यू रिजर्व में एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, समराइज कर रहा हूं पहले। रिजर्व दो तरीके के, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व हम कहां से बनाते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट से, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व हम कहां से बनाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से। और वो कैपिटल प्रॉफिट आपके पास कहां से आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल पे कोई फायदा होगा तो। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व को हमने अलग कर दिया, कैपिटल रिजर्व के नाम को अलग कर दिया। अब आ गया रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरीके के होते हैं बच्चे, एक होता है जनरल रिजर्व, जनरल, और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल नाम ही कह रहा है, जनरल है, हमने प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के अलग से रख दिया, जहां मन वहां खर्च कर लेंगे, जहां मन वहां, मतलब कोई अगर मान लो कि सपोज कि कोई एक्सपेंशन करना है, कोई ग्रोथ करना है, किसी को मिठाई खिलाना है, किसी को पानी पिलाना है, कभी मन करता है कि नहीं जी उसमें से कुछ पैसा मैं घर लेके चला जाऊं, लेके जा सकता हूं। मतलब जनरल रिजर्व जो होता है उसपे कोई भी आपका यहाँ पे वो पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं, और पैसा अगर यूज नहीं करना तो ओनर यानी कि जो मालिक है उस पैसे को कभी भी घर लेके जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि मैंने इस साल जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से 50,000 रुपए अलग से रख दिए, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नहीं करना एक्सपेंशन मुझे, नहीं ग्रोथ करना मुझे, बस घर में जाकर सोना है, तो पैसा मैं घर लेके जा सकता हूं। कौन सा, जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूं, जनरल रिजर्व आपका, समझ रहे हो। तो जनरल रिजर्व जो होता है ना, हम इसको फ्री रिजर्व भी कभी कभी कहते हैं,
या छोड़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके लिए क्या रहेगा जी, अभी जनरल रिजर्व आपका, ये जनरल आपका हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व। हमने जो इस साल प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ पैसा अलग से जमा किया, लेकिन किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए। वो पर्पस कौन तय करेगा, या तो मैनेजमेंट या फिर कानून। मैनेजमेंट यानी कि मैं, या फिर कानून, अगर हमारे देश का कोई कानून तो वो भी तय कर सकते हैं हमारे बच्चे, हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। रिपीट कर रहा हूं, ये रेवेन्यू रिजर्व जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या, जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं उससे निकाला हुआ प्रॉफिट। जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया, मान लो 10 लाख रुपीज, हमने उसमें से कुछ पैसा रख लिया, मान लो 2 लाख रुपीज, इसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिजर्व जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो जनरल मतलब कहीं भी उसको यूज कर सकता हूं, कहीं भी किसी भी काम के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी और काम के लिए, मन करे तो मैं इसको घर लेके जा सकता हूं। मतलब ये पैसा बिल्कुल फ्री होता है, फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, कोई भी आपका स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन ये जो क्रिएट होते हैं किसी खास पर्पस के लिए, मतलब सर मैं बताता हूं, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया। कल को मान लो कोई वर्कर रिटायर होगा, किसी का अगर एक्सीडेंट होगा, किसी को चोट लग जाएगी, हम इसमें से निकालकर उसको पे कर देंगे। आज वो लाइबिलिटी नहीं मेरे बच्चे, आज वो एक्सपेंस नहीं है, आज किसी को चोट नहीं लगा, लेकिन लगता हमने क्या क्या पैसा रख दिया अलग से, कल को किसी का एक्सीडेंट हो गया चाहे कुछ हुआ तो हम उसमें से निकाल के पे कर देंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा बट ध्यान सुनना, मेरी जो सोसाइटी ने जहां मैं रहता हूं वहां पे क्या हुआ कि बगल में एक आपका वो आपका एक और बिल्डिंग बन रही है। अब कल क्या हुआ था कि बिल्डिंग पे से एक लेबर गिर गया और उसे चोट लगी, बहुत गहरी चोट लग गई। अभी अभी बीच की बात कर रहा हूं, मतलब साल के बीच में, ये साल के एंड की बात नहीं कर रहा, बीच में क्या हुआ, कैसा हुआ। अब उसको जो सोसाइटी का ओनर है, जो मालिक है, जो कंपनी, उसको 20 लाख रुपीज कंपनसेशन पे करना पड़ा। अभी 20 लाख जो पे करना पड़ा, पैसा कहां से आएगा, तो उसने क्या किया था, पहले से रिजर्व यानी कुछ पैसा अलग से जमा करके रखा था। और हर एक बिजनेसमैन को करना होता है मेरे बच्चे, कौन सी अनसर्टेनिटी कब हमारे पास आ जाएगी और कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, किसी को नहीं पता। तो अगर किसी खास पर्पस के लिए, मतलब पैसा जो हमने प्रॉफिट से निकाला था, हमने कह दिया कि यार अगर वर्कर किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम इसमें से पैसा पे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी गिर जाती है अगर, तो हम इसमें से पैसा निकाल के उसको कंपनसेट कर देंगे। मतलब कई तरीके का होता आपका, तो मैं वही बता रहा हूं कि जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक। देखो जनरल रिजर्व का मतलब होता है इट इज एन अमाउंट सेट असाइड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए नहीं होता, इट इज अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये आपका किसी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी या एक्सपेंशन के लिए आपका होता है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, कहते हैं कि ये वो रिजर्व है जो कि क्रिएट किया गया किसी खास पर्पस के लिए एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, मेरे बच्चे ये नया नाम है, ये आपको 12वीं क्लास में जाके पता चलेगा इसका क्या मतलब होता है। तो ये डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व जो आपका है, ये एक कानून के द्वारा, मतलब कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है, मैं ज्यादा नहीं समझा सकता, तो पूरा 12वीं क्लास पढ़ाना पड़ेगा, बात का विषय। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, इसी तरीके से मैं आपको एक और नाम दे दूं यहाँ पे, CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व। ये सब जो रिजर्व होते हैं ना, दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये मैं जो टॉपिक ये बता रहा हूं, एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक बहुत वास्टनेस है बच्चे, हम जैसे जैसे बड़े होंगे और बड़े होंगे और बड़े होंगे, इनका क्लेरिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया, रिजर्व दो तरीके के, एक आपका रेवेन्यू, एक कैपिटल। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स और आपका शेयर कैपिटल से, घाटा फायदा जो होगा, फायदा मतलब वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं, दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब द प्रॉफिट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, फ्री और दूसरा स्पेसिफिक। फ्री मतलब जनरल रिजर्व आपका, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, और फिर आपका यहाँ पे क्या जी, स्पेसिफिक, यहाँ पे जो मैंने नाम आपको बताया, जो किसी खास पर्पस के लिए हमने बनाकर रखा है। मेन चीज क्या है, प्रोविजन जो होते हैं वो आपका प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होते हैं, लेकिन रिजर्व जो होते हैं मेरे बच्चे, वो आपका प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है,
अप्रोप्रिएशन होता है। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं, ठीक है ना। तो ये आप तो जानते हैं, अब आपका सब कुछ मैंने बता ही दिया। अब आपका रिजर्व का इम्पोर्टेंस क्या है जी, रिजर्व का क्या यूज है, क्या फायदा है? बहुत सारी फायदा, हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसा यूज किया जाएगा, फाइनेंशियल पोजिशन को इम्प्रूव करने के लिए, तभी तो टाटा बिरला बनूंगा, खूब सारे पैसे आएंगे, बहुत सारा पैसा हो गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, मजा आएगा। लायबिलिटी को रिडीम करने के लिए, लायबिलिटीज को रिडीम करने के लिए भी रिजर्व हम यूज करते हैं। मान लो किसी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, पैसा कहां से अचानक लायबिलिटी पे करना है, रिजर्व बनाकर रखा, हम उसमें से पे कर देंगे। अनफोर्सिन कंटिजेंसी, अचानक कोई अनफोर्सिन, मतलब जो अभी दिख नहीं रहा बट फ्यूचर में ऐसी लायबिलिटी कोई बन सकती है, उसका पेमेंट करने के लिए हम रिजर्व बनाकर रखते हैं। मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर, हर एक साल डिविडेंड, जो मैं बता रहा था कि डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व जो बनाया था मेरे बच्चे, इस साल प्रॉफिट कम ज्यादा हुआ, थोड़ा सा अलग से पैसा रख लो, अगले साल कम होगा उसमें से निकाल के पे कर देना। और लीगल रिक्वायरमेंट मैं समझा रहा था कि कई सारे लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे डीआरआर को बनाना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब आपका लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर में आता है। तो ये सब कंप्लाई करने के लिए ये इंपोर्टेंस आपका निकल गया। बात समझ में आ गई सर? हाँ, तो ये मैंने रिजर्व के बारे में समझाया। एक बात और बता दो, आप किसी को बोलना नहीं, क्योंकि मैं बहुत इनडेप्थ वर्ड पे आ रहा हूं, आपको ज्यादा मजा आएगा चीजों को बाद में समझने के लिए। पता कभी कभी क्या होगा, आप बैलेंस शीट में दो चीज देखेंगे, कभी कभी आपका क्या होगा, कभी कभी आपके बैलेंस शीट में दो चीजें दिखाई देंगी, एक चीज दिखाई देगा रिजर्व और कभी कभी दिखेगा रिजर्व फंड। मतलब कहने का, किसी भी नाम जैसे जनरल रिजर्व कह दिया और कहते हैं जनरल रिजर्व फंड, है ना। तो किसी भी नाम के आगे फंड लगने का मतलब क्या होता है, और रिजर्व के आगे अगर फंड नहीं लगा तो मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मेरे बच्चे रिजर्व सिर्फ कहेगा ना, जनरल रिजर्व कह दिया, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व कह दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह दिया, कोई भी रिजर्व कह दिया, तो इसका मतलब कि इसके नाम का पैसा आपके पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना, रिजर्व कहता है, रिजर्व का मतलब कि उसके नाम का जो पैसा आपने अलग किया। अरे रिजर्व क्या है, मान लो हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया था, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा और अच्छी तरीके से, ये देखिए आपको अच्छा लगेगा। अगर हमने प्रॉफिट कमाया सपोज दैट 2 लाख का, तो हमारे पास कैश भी तो 2 लाख आए होंगे, प्रॉफिट जब कमाया तो पैसा भी तो आएगा। अब मैं कहता हूं कि यार इसमें से 50,000 ट्रांसफर कर दो आप जनरल रिजर्व में, तो हम लोगों ने क्या किया, जनरल रिजर्व में 50,000 ट्रांसफर कर दिया, तो प्प्रॉफिट में कितना रह गया, 150 का अमाउंट। ये दोनों पैसा हमारे पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है। इस 2 लाख में 150 जो है वो ओनर कभी भी घर लेके जा सकता है, और ये पैसा छोड़ दिया एक्सपेंशन पे खर्च करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये प्रॉफिट को मैं हटा दूं और इसमें से भी 1.5 लाख हटा दूं, तो 50,000 मतलब जनरल रिजर्व का पैसा कैश के रूप में बिजनेस में, डबल एंट्री सिस्टम, पैसा कैश में, किसका जी, रिजर्व का पैसा है, हम इसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। लेकिन इस पैसे को, इसका जो पैसा कैश में पड़ा हुआ है, अगर इस पैसे को कहीं पे आप इन्वेस्ट कर देते हो, क्यों पैसा ऐसे रखूं, क्या फायदा है तिजोरी में रखने से, इन्वेस्ट कर दो, कुछ इंटरेस्ट कमाऊंगा, कुछ उसमें पैसा मिलेगा जी, उसका एप्रिसिएशन होगा। तो अगर इसके नाम का पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो ना बच्चे, तो अकाउंट्स में फिर इस नाम के आगे में हमें फंड जोड़ना पड़ता है। मतलब सिंपल शब्दों में, जनरल रिजर्व यानी कि पैसा बिजनेस में है, जनरल रिजर्व फंड कह दिया, अच्छा इसका मतलब कि इसके नाम का पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, अभी वो बिजनेस में कैश या तिजोरी में नहीं पड़ा हुआ आपका। ये रिजर्व में फंड में फर्क होता है, मैंने ये भी बात लिख दिया है, ये देखो आप, द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, आउटसाइड सिक्योरिटी मतलब कहीं बाहर अगर रिजर्व का पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड, फिर उसके आगे हम फंड लगाना शुरू कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट है ताकि दुनिया को पता रहे कि ये पैसा बिजनेस में है या बिजनेस से बाहर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है। तो रिजर्व है, पैसा बिजनेस में है, रिजर्व फंड है तो पैसा आप उसको इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पैसा बिजनेस में है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अच्छा इसका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुके होंगे।
डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, पैसा बिजनेस में है, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड यानी कि इसका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पैसा बिजनेस में है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब ये रिजर्व है लेकिन फंड लगाने का मतलब कि उसका पैसा कहीं हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये आपको टर्म दिया गया है जो अकाउंटेंसी के अंदर में आपको समझ कर रखना है, आप प्लीज इसकी कॉपी कर ले। रिजर्व का मीनिंग, एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंस। रिजर्व दो तरीके का, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू में भी आपका दो तरीके का, एग्जाम में अगर आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ रिजर्व तो पहले ये लिखना है और इसी के अंदर में आप इनके बारे में दिखा दोगे, और फिर कैपिटल रिजर्व। अगर कहता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रेवेन्यू रिजर्व सिर्फ, तो आप ये लिखेंगे ये और उसके बाद ये लिखकर आप दिखाएंगे, ठीक है ना। कैपिटल पूछेगा तो ये बता देंगे, ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व तीन चीजों से जुड़ा हुआ, कैपिटल आपका फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल पे हुए फायदे को। इसका और भी इंडेक्स एप्लीकेशन होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने का आपको वेट करूंगा, उसके बाद उसके बारे में समझाऊंगा। आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो आप। बच्चे अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जरा कि रेवेन्यू रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंसेज है, उसी तरीके से रेवेन्यू एंड प्रोविजन में क्या फर्क है। ऐसे हमने डिस्कशन किया हुआ है बट फिर से एक बार, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, मैंने कुछ लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व मे और मे नॉट इन्वॉल्व रिसीट्स ऑफ कैश। सर इसका क्या मतलब है, तो अभी काम करो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ जिसकी कॉपी आपको नहीं करना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे बच्चे एक बैलेंस शीट है, ये एक बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट के अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मशीन है, मशीन ये आपका, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर बात करूं तो मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को हमने 5 लाख में परचेज किया हुआ है, फिर यहाँ पे कैश कह रहा है, आपको लिखना नहीं है मेरी बात सुनना है, 4 लाख रुपए का अमाउंट, 4 लाख का अमाउंट, और जो आपके अदर एसेट्स हैं, जो बाकी के एसेट्स हैं, वो कहता है आपका 11 लाख का अमाउंट यहाँ पे, तो टोटल अमाउंट यहाँ कितना आ गया, 20 लाख रुपए। इस साइड आता हूं मैं, ये 20 लाख के बारे में कहता कि ये कहां से आया जी, तो कैपिटल जो हमारा है कैपिटल, वो कहता है आपका 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख, और जो हमारी लाइबिलिटीज है वो मान लो आपका 16 लाख का, डमी फिगर है ऐसे दिमाग से निकाल लो, 20 लाख 20 लाख। मैं आपको कैपिटल रिजर्व का मतलब समझा रहा हूं कि ये क्या बोलना चाहता है, इस लाइन का क्या मतलब निकल के आता। देखो मैंने क्या किया, इस 5 लाख के बिल्डिंग को मैंने सेल कर दिया, मेरे बच्चे बिल्डिंग को मैंने सेल कर दिया मतलब बेच दिया, और मान लो मैंने बेचा 6 लाख में, तो चलो बताओ अगर मैं 5 लाख के बिल्डिंग को 6 में बेचूंगा तो बिल्डिंग कितने से कम हो गया, 5 लाख से, लेकिन कैश कितने से बढ़ेगा, 6 लाख से, क्योंकि 6 लाख में बेचा। अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता है तो क्या बैलेंस शीट टैली करेगा, ये ध्यान रखना कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है मेरे बच्चे, कैपिटल प्रॉफिट जो आपका होता है वो हमारे प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। आप बताइए क्या बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस साइड आप देखो जरा आपका, तो ये तो खत्म हो गया, ये 10 हो गया प्लस 11 यानी कि यहाँ पे आ गया 21 लाख और यहाँ पे 20 लाख ही दिख रहा है। तुम बैलेंस शीट को टैली करने के लिए यहाँ पे जो 1 लाख रुपीज आपका इन जो ज्यादा बिका यानी कि फायदे में बिका, उस 1 लाख को हम यहाँ पर लिखते हैं और इसका नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आपका, यानी कि ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट आपका हुआ है। तो अब देखो ये 1 लिखते हैं, यहाँ भी 21 लाख हो गया, यहाँ भी 21 और टैली कर गया आपका। ये बात सवेर में क्या बताना चाहता हूँ, अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल, अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि ये जो 1 लाख रुपीज का कैपिटल रिजर्व आया, क्या ये पैसा आपके पास कैश में आया है कि नहीं आया है, जो कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपीज लिखा आपने वो कैश में आया है कि नहीं आया है, तो आया है मेरे बच्चे। आप देखो ना एसेट्स को बेचने से तो 1 लाख का फायदा हुआ था, और बेचकर हमारे पास क्या आया था, पैसा आया था, तो 1 लाख आपका कैश में आया है, ये आपका इन्वॉल्व आपका कैश हुआ, कैश हमारे पास आया है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं, दूसरा एग्जांपल ये देखो आप, मैं इसको हटा देता हूं। इस बार मैंने बिल्डिंग को सेल नहीं किया मेरे बच्चे, बिल्डिंग को रिवैल्यू किया, रिवैल्यू किया, और मान लो 5 लाख की बिल्डिंग आज हमें लगता है कि 6 लाख का हो चुका है, तो बिल्डिंग की वैल्यू को हमने क्या किया, बैलेंस शीट में 1 लाख से बढ़ा दिया। रिवैल्यूएशन करना
ये आप सीखेंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा भी समझा रहा हूं कि 1 लाख से आपने क्या क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी, जरा मुझे बताओ, बेचा नहीं, रिवैल्यू किया, अपवार्ड मतलब प्रॉफिट हो गया। तो बिल्डिंग जो पहले एसेट्स 20 था, अब कितना हो गया, 21 लाख। इधर कोई चेंज नहीं सर, क्या बैलेंस शीट टैली करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो 1 लाख का एप्रिसिएशन हुआ है, जो वैल्यू बढ़ा, उसको भी हम इस साइड लिख देते हैं मेरे बच्चे। और क्योंकि ये फिक्स सेट से जुड़ा हुआ फायदा है, हम नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का। ये आपका कभी कभी कहते हैं कैपिटल रिजर्व, कभी कभी कहते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व फिलहाल आपका कैपिटल रिजर्व। आप मुझे बताओ, ये जो इस बार आपने 1 लाख यहाँ पे लिखा, क्या ये पैसा कैश में आया है? क्या ये जो 1 लाख का रिजर्व आपने बैलेंस शीट में नाम दिखाया, क्या ये पैसा कैश में आया? नहीं आया है ये पैसा मेरे बच्चे, कैश में नहीं आया, क्योंकि आपने जो एसेट्स को रिवैल्यू किया, रिवैल्यू करना ज्यादा पे दिखा देना, पहले हमने 5 लाख का परचेज किया था, आज मार्केट में उसकी वैल्यू 6 लाख की हो चुकी है, तो हम दिखाएंगे। तो वो जो आपने दिखाया उसको हमने इस नाम से बैलेंस शीट को टैली करने के लिए, ये पैसा कैश में नहीं आया है, यानी कि मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी रिसिप्ट ऑफ कैश। कैपिटल रिजर्व जो होता है, ये हो सकता है कि कैश में आपके पास पैसा ना आया हो, उसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना। तो लीजिए, ये भी हमारा काम पूरा हो गया। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे मतलब जो अच्छा स्टेज है, जहां पढ़ना चाहिए, वो है आपका फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी समझने के बाद, ज्यादा अच्छा लगता है ना, वहां पे सारी बातें, क्योंकि वहां तक हम सब सीख चुके हैं। खैर, अब आओ चला मैं, अगला टॉपिक हमारे पास है कि डिफरेंसेज बिटवीन आपका रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में आ सकता है, आप उसको बड़े अच्छी तरीके से समझाना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। पहले मैं उसके पहले एक छोटा सा शब्द समझाना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात। पता है कंपनी के अंदर में, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूं ऑफ मान लो टाटा लिमिटेड का, कंपनी का मतलब टाटा एक कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर में यहां पे क्या है कि आपके पास जो एसेट्स है वो मान लो आपके 10 लाख के एसेट, डबी फिगर, आपको बनाना नहीं, आपको सुनना मेरी बात यहाँ पे। अब ये 10 लाख का आपका यहाँ पे एसेट्स है, यहाँ पे टाटा में मेरे बच्चे जो कंपनी है ना, बहुत सारे मालिक होते हैं। तो कंपनी के अंदर में आप जो कैपिटल अभी तक लिखा करते थे, वो कैपिटल ना लिख के वो बोलते हैं शेयर कैपिटल, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में हजारों लाखों मालिक होते हैं, कितने लोगों के नाम को लिखूंगा? तो जिस आदमी ने इस कैपिटल का जितना शेयर यानी कि पार्ट परचेज किया है, उसको हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। सोल प्रोप्रेटरशिप में हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। पार्टनरशिप में कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वहां 2 या 3 या 4 या 5 पार्टनर आपके होंगे, 6 पार्टनर होंगे आपके, है ना। बट कंपनी में हजारों लाखों लोग होते हैं, उतने लोगों के नाम नहीं लिख सकते, तो हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ये वर्ड ध्यान रखना, अब मेरी बात सुनो। कहता है कि आपका रेवेन्यू रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क है? पहली बात जो मैं समझा चुका हूं, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट। और ये कहां से बनता है जी? कैपिटल प्रॉफिट से, है ना बच्चे। आपका रेवेन्यू रिजर्व हम कहां से बनाते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट से। कहां से बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। दूसरा, रेवेन्यू रिजर्व का क्या मतलब था? जनरल रिजर्व, और दूसरा वो आपका स्पेसिफिक रिजर्व। फिर बच्चे ये जो रिजर्व है ना, जो जनरल रिजर्व है या फिर स्पेसिफिक रिजर्व जो था, मतलब रेवेन्यू रिजर्व, दैट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स विदाउट एनी प्री कंडीशन। जब मैं शेयर होल्डर बोलता हूं, मतलब कंपनी के मालिक, और कंपनी का मालिक जब प्रॉफिट का पैसा बिजनेस बाहर ले जाता है मेरे बच्चे, हम उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये वर्ड थोड़ा बहुत याद रखिए कि जैसे कंपनी के अंदर में जो कंपनी के मालिक यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बोलते हैं भैया मैं पैसा घर लेके जा रहा हूं तो मुझे दो प्रॉफिट, तो हम बोलते हैं उनको डिविडेंड दिया जा रहा है, डिविडेंड। पर बच्चे जो रेवेन्यू रिजर्व है, वो आप उनको बड़े आसानी से उनको घर ले जाने के लिए दे सकते हैं आप, बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि रिजर्व है, वो पैसा प्रॉफिट से निकाला हुआ है, हम उनको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक रिजर्व है, माफ कीजिए, कैपिटल रिजर्व है, ये पैसा आप डिविडेंड के रूप में उनको आसानी से नहीं दे सकते। हर एक कैपिटल रिजर्व में मेरे बच्चे कुछ कंडीशंस होते हैं।
कंपनीज एक्ट ने कुछ कंडीशन डाले हैं, उनको सेटिस्फाई करने के बाद ही आप वो पैसा लेके दे सकते हो। सर वो कौन से कंडीशन है मेरे बच्चे? बहुत तरीके के रिजर्व है और बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपके जानने का विषय नहीं है। अभी तो बस इतना समझ लो कि कैपिटल रिजर्व जो होता है दैट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। इफ कंपनी इज पेइंग डिविडेंड आउट ऑफ दैट कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व देन दे हैव टू सेटिस्फाई सर्टन प्री कंडीशन विच हैज बीन गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अब वो कौन से कंडीशन है जैसे जैसे बड़ा होंगे आपको समझ में आएगा, अभी तो बस इतनी बात है, ये आराम से दे सकते हैं और यहाँ पे आपका कंपनीज एक्ट 2013 के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद। रेवेन्यू रिजर्व हम क्यों बनाते हैं जी? तो रेवेन्यू रिजर्व बनाने का मोटिव है कि बिजनेस को स्ट्रेंथन करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, कोई फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उसको मिट करना, उसके लिए हम बनाते हैं आपका रेवेन्यू रिजर्व आपका, है ना बच्चे। इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड मीटिंग द अनफोर्सिन कंटिजेंसी। अनफोर्सिन जिसको अभी नहीं जानते, शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस आपका। तो इट इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन एंड मीटिंग द अनफोर्सिन कंटिजेंसीज और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। आपने देखा था, हमने बताया था, लेकिन मेरे बच्चे ये जो बनता है कैपिटल लॉस को सेटअप करने के लिए। लो सर ये कैपिटल लॉस क्या हुआ? अरे जैसे फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो आपको फायदा हुआ, कैपिटल प्रॉफिट है, बेचा तो कैपिटल लॉस होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जितना कर्ज था उससे ज्यादा पे करना पड़ा, कैपिटल लॉस हो गया, कम पे करना पड़ा, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। शेयर्स पे फायदा हो गया तो कैपिटल प्रॉफिट, घाटा तो कैपिटल लॉस। तो कैपिटल प्रॉफिट जो होते हैं, मतलब कैपिटल रिजर्व दैट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, पहला चीज, या फिर जिस पर्पज के लिए वो क्रिएट किया गया। जैसे आपका यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अभी नाम ऐसे ले रहा हूं आपको नहीं पता, उसके पर्पस बताए गए हैं जो हम थोड़े बड़े होने के बाद उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे बच्चे ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्या होता है और उसका क्या मतलब है और कैसे कैसे उसके बारे में बात किया जाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आया तो अब इसको लिख लेंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट, आपका रेवेन्यू और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है? आप जानते हो मेरे बच्चे, रेवेन्यू और प्रोविजन में बहुत बड़ा फर्क है। पहला तो आपका रिजर्व जो होता है, सॉरी रिजर्व एंड प्रोविजन, रिजर्व जो है ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, लेकिन जो आपका प्रोविजन है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्चुअली थोड़ा बताऊं मैं, रियल लाइफ में क्या होता है, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बनता है मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट का हम यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाते हैं यहां तक जो निकल के आता है उस प्रॉफिट को जब ओनर में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं। तो एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके प्रोविजन है वो कहां दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन यहां दिखाए जाते हैं, लेकिन जो रिजर्व है वो कहां से जाएगा? यहां से जाएगा, रिजर्व हम यहां से निकालते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रोविजंस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेकिन रिजर्व्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुने ध्यान से, पहला डिफरेंस, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व में कहता है इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजिशन और टू मीन अनफोर्सिन लॉसेज या लायबिलिटी, लेकिन ये क्यों क्रिएट करते हैं जी? टू मीट नॉन लायबिलिटी और एक्सपेंसेज और लॉसेज इफ द अमाउंट इज नॉन डिटरमाइंड। जो नॉन है मतलब होगा, बस समय अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता कितना होगा, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसमें डेबिट में दिखाते हैं और ये हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं। मेरे बच्चे जो रिजर्व का पैसा है हम बाहर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमने आपको बताया था रिजर्व और रिजर्व फंड में फर्क आपका, लेकिन जो आपका प्रोविजन का पैसा होता है ये आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। जो रिजर्व का अनयूज पार्ट है, जो बच गया रिजर्व कहता है कि हम उसको डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे सकते। मैंने अभी बताया था कि रिजर्व जो हमारे पास है बचे हुए जिसका यूज नहीं है मेरे बच्चे, हम उसको डिविडेंड के रूप में, मतलब ये घर पैसा लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रोविजन का बचा हुआ पैसा डिविडेंड के रूप में हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा, वो ओनर पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। रिजर्व को क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट का है,
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस, थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा, उस हेडिंग के अंदर दिखाते हैं क्योंकि रिजर्व है। लेकिन जो प्रोविजन है मेरे बच्चे, बैलेंस शीट में एक हेडिंग होता है करंट लायबिलिटी, उसके अंदर में दिखाते हैं, या फिर जिस एसेट से जिस एसेट से जुड़ा हुआ है हम उससे माइनस करके दिखाते हैं। जैसे डेटर से क्या माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिक्स्ड से क्या माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो एग्जाम में अगर आ जाता कि जरा बताओ जी आपका रिजर्व प्रोविजन में क्या फर्क है, वो भी मेरे बच्चे समझा सकते हैं बड़े आराम से। लिखना यही है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ऐसे नोट्स भी आपके पास गया होगा या जाएगा, आपके बुक के अंदर होगा, लेकिन आपको लिखना यही है मेरे बच्चे। सारी बातें आपको समझा रहा हूं लिख लिख के क्या करना है, और लिख लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलता है, बहुत आपको फायदा होता है। जब हम कोई चीज लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में बातें बहुत जल्दी बैठ जाती है हमेशा के लिए। आप प्लीज कॉपी कर लें, आप इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। अगला और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वह है सीक्रेट रिजर्व। नाम ही मस्त है इसका, सीक्रेट रिजर्व। देखो अगर मैं आपके लैंग्वेज में बात करूं ना, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, कंपनी की भी बात ना करूं, आपके घर की बात करूं, तो जितना आपके मम्मी पापा जिस लेवल पर भी बिलोंग करते हैं उससे कम अपने आप को दिखाना। आपके मम्मी पापा मान लो कि सालाना 5 लाख रुपए कमाते हैं, मान लो एक बात कर रहा हूं, और वो दिखा रहे कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मतलब 4 लाख रुपए वो छिपा रहे हैं दुनिया वालों से, इनकम टैक्स अथॉरिटी से, आपसे, और पता नहीं किससे किससे। तो इससे क्या होता ना कि ये दीज आर कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, मतलब कंपनी के पास पैसा है बट हम शो नहीं करते। सीक्रेट रिजर्व बनाने का जो तरीका होता है, बेसिकली होता क्या, मैं आपको बताऊं कैसे कंपनीज करती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनीज ये बदमाशी कैसे करती है। बैलेंस शीट आपका है, ये बैलेंस शीट है। पहले मैं इनका रियल पोजीशन दिखाता हूं, रियल पोजीशन मशीन इनका 6 लाख का है, आपको लिखना नहीं, मेरी बात सुनना है। इनकी जो बिल्डिंग है मेरे बच्चे, इनके पास बिल्डिंग है वो 20 लाख का उन्होंने परचेज करके रखा हुआ है। इनके पास कैश जो है वो मान लो आपका 4 लाख रुपीज का है, और जो अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स वो मान लो आपका और भी 10 लाख का। मैं आपको समझा रहा हूं कि सीक्रेट रिजर्व कैसे कैसे बनता है, यानी कि 40 लाख के इनका एसेट्स है। यहां पे मैं दिखाऊं इनके जो कैपिटल है, कैपिटल वो मान लो 5 लाख का अमाउंट है। इस 40 लाख में से रिजर्व का पैसा, मतलब मान लो जनरल रिजर्व, रिजर्व मतलब कंपनी ने खुद कमा के जो पैसा एसेट्स में लगाया है वो मान लो आपका 25 लाख का अमाउंट है। और मेरे बच्चे कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं कर्ज, वो मान लो आपका 10 लाख का अमाउंट है। मतलब आपके पास ये समझाया गया है, ये ट्रू पोजीशन बता रहा हूं, मतलब कि अगर सीक्रेट रिजर्व ना हो तो कंपनी का पोजीशन क्या दिख रहा है जी, 40 लाख रुपीज के एसेट्स है, इनमें से 5 लाख कैपिटल से 25 कंपनी ने खुद कमा के पैसा जो बिजनेस में लगाया हुआ है, बिजनेस में पैसा जो यूज कर रही है वो आपका 25 लाख है, और लायबिलिटी आपका 10 लाख ही हो रहा है मेरे बच्चे। सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है कि जब कंपनी अपना ट्रू पोजीशन को कुछ कम करके दिखाती है। सर इससे क्या फायदा होगा, आप अभी मामा मम्मी पापा से पता करना कि अगर वो मान लो 10 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो 10 लाख पे क्या होता है, उनको टैक्स पे करना होता है। लेकिन कहते हैं भैया मैं तो 2 लाख रुपए ही कमा रहा हूं, तो फिर 2 लाख पे टैक्स पे करना होता है, बाकी पैसा हम छिपा लेते हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर है, मतलब ये क्रिएट करने का आपका, दुनिया को मैं क्यों दिखाऊं कि मैं बड़ा हूं, कहीं मेरा बच्चे को किडनैप कर लिया, मतलब मम्मी पापा के पास खूब सारी गाड़ियां हैं, लेकिन सारी गाड़ियां अगर डिस्क्लोज कर दिया किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया तो उसको इतना होता नहीं, सब चीजें बातें। उसी तरीके से कंपनी भी अपने आप को जनरली जितना उसका स्टेटस है उससे कम शो करती है। जनरली मेन रीजन है कि टैक्स को बचाने के लिए बच्चे, इनकम टैक्स अथॉरिटी गवर्नमेंट की नजर में ना आ जाऊं, इसलिए क्या करते हैं वो आपका सीक्रेट रिजर्व बना के रखते हैं। अब मैं दिखाता हूं वो कैसे कैसे बना सकते हैं, देखो अपना ट्रू पोजीशन कैसे छिपा सकते हैं। पहला, जो उनके एसेट्स हैं, मान लो उन्होंने क्या क्या, जैसे मशीन 6 लाख का है, इस पे उन्होंने क्या क्या बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या होगा, मतलब एक्सेस डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उतना प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनेगा उसमें उतना आपने खर्च दिखा दिया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो
यहाँ प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ मशीन कम हो जाएगा, बैलेंस शीट छोटा दिखेगा, लेकिन आप हो बहुत अच्छे, अभी अच्छी स्थिति एंजॉय कर रहे हो। तो मतलब किसी भी हालात में कहते हैं कि भैया अगर सीक्रेट रिजर्व को बनाना है तो दो में से एक काम करो, या तो क्या करो एसेट्स जो आपके हैं उनको दिखाओ लोअर अमाउंट पे, लोअर अमाउंट पे, या फिर जो आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब जो आपकी लायबिलिटीज है बेसिकली, जो आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी को दिखाओ एट हायर अमाउंट। मतलब आप दिखा दो कि भैया हमारे पास जो भी कुछ है, हमने तो कर्ज लेकर किया है, हमने बस कर्ज लेके किया है, हमने कुछ भी नहीं, मतलब कंपनी ने अपने पैसे से मशीन परचेज किया और दिखा दिया कि हमने भाई से या दोस्त से लोन लिया है। तो मेरे बच्चे ऐसे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। अब कैसे होगा जी, एसेट्स को कम दिखा के, या फिर लायबिलिटी को बढ़ा के, या फिर रिजर्व को कम कर दो, है तो कंपनी का ना, कौन देखने वाला है, इसका अमाउंट कम कर दो और किसी डमी लायबिलिटी का नाम दिखा दो। वही बातें मैंने आपको समझाई, जरा सुनना यहाँ पे क्या बता रहा हूं। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरी द एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, जिसका होना या फिर उसका अमाउंट हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, हम छिपा के रखते हैं, मतलब कमाया ज्यादा और कम दिखाना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, हिडन छुपा हुआ। सच रिजर्व आर क्रिएटेड बाय शोइंग एसेट्स एट लोअर अमाउंट, एसेट्स एट लोअर अमाउंट और लायबिलिटीज एट हायर अमाउंट। लायबिलिटी को बड़ा दिखा के, ज्यादा दिखा के काम कर सकते हो। कैसे क्रिएट होगा, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व कंपनीज कैसे कैसे क्रिएट करती है, एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करके। स्टॉक गुडविल, मेरे बच्चे स्टॉक हमारा यहाँ पे होता है, गुडविल हमारा एसेट्स होता है, उसको कम पे दिखा दो। हमने किसी कंपनी का गुडविल यानी कि ब्रांड परचेज किया 50 लाख का, दिखा दिया 10 लाख में। लोग करते हैं, आपके भी घर में होता है सब जगह। तो कंपनी अपने आप को जो पोजीशन उससे डाउन करके दिखा रही है, ताकि पब्लिक के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में, इनकम टैक्स अथॉरिटी के नजर में ना आ जाऊं, हम कम कम में दिखे, ताकि कम टैक्स पे करना पड़े, जनरली मोटिव जो होता है। तो स्टॉक गुडविल को अंडर वैल्यू करना, या फिर ज्यादा प्रोविजन चार्ज करना। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को ज्यादा चार्ज करते हैं, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्चुअली प्रॉफिट में ज्यादा कमा रहा हूं लेकिन कम प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को चार्ज करके। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई एसेट्स परचेज किया और उसको प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया। अरे एसेट्स को परचेज करो तो यहां दिखाओ ना, लेकिन इसने बदमाशी किया, कोई भी एसेट्स जो परचेज किया उसके खर्चे, उस एसेट्स को यहां डिस्क्लोज नहीं किया, उन खर्चों को छोटा छोटा उल्टा सीधा नाम देके प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, तो इससे क्या वो प्रॉफिट कम हो गया, हमारा बैलेंस छोटा दिख रहा आपका। तो मेरे बच्चे ये शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट का मतलब होता है झूठी लायबिलिटी, झूठी शायद ऐसे लिखते हैं, झूठी का मतलब जो लायबिलिटी आज नहीं है मेरे बच्चे, कल बन सकता है। आज जो लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है लेकिन जो कल बन सकता है, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इनको मैंने गारंटी दिया था, इनको मैंने गारंटी दिया था कि अगर आपने इनका पेमेंट नहीं किया तो मैं इनका पेमेंट कर दूंगा। दोबारा सुनिए, मैंने इस थर्ड पार्टी को गारंटी दिया था कि अगर आपका पेमेंट आपने नहीं किया तो मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। मेरे बच्चे इनको पहले आप पे करोगे, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं पे करूंगा। तो मेरे ऊपर में आज ये लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकती है अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो, दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा एग्जांपल सुनिए, मैंने एक बिल जो था बैंक से डिस्काउंट किया हुआ है। अब बिल जो डिस्काउंट किया, मतलब बिल जो बैंक को बेचा, उसका पेमेंट कौन करेगा, आप करोगे, आपने बिल साइन करके दिया था। लेकिन अगर आपने बैंक को उस बिल का पेमेंट नहीं किया तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। पर बच्चे कोई भी वो लायबिलिटी जो आज मेरे ऊपर नहीं बट कल को बन सकती, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेरे ऊपर में आपने केस कर दिया है कि सर जो सर ने गुड्स दिया था खराब क्वालिटी का है, पर बच्चे अगर मैं केस हार गया तो मुझे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जीत गया तो मुझे कुछ नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी पेमेंट करना या ना पेमेंट करना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आज सर्टेन नहीं है, फ्यूचर में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। मेरे बच्चे कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, उसको हम नोट में लिख के दिखाते हैं, ऐसा अकाउंट हमें कहते हैं, नोट में लिख दो कि भैया ऐसी लायबिलिटी है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, जो कंटिंजेंट है उसको भी क्या किया, उसने रियल लायबिलिटी दिखा दिया,
लायबिलिटी ज्यादा दिखाना, या तो एसेट्स को कम दिखाओ या लायबिलिटी को ज्यादा दिखाओ, तुम क्या बोलेंगे? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है मेरे बच्चे ये काम करके, या फिर ग्रुपिंग फ्री रिजर्व एज क्रिएटर। जो रिजर्व थे, रिजर्व हमने रिजर्व के पैसे से एसेट्स परचेज किया, लेकिन हमने क्या किया, रिजर्व को कम कर दिया और क्रिएटर्स को दिखा दिया कि भैया हमने तो कर्ज पे सामान परचेज किया आपका। ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं मेरे बच्चे। और ये कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक खराब है। खैर मैं आपको दोनों बताऊंगा, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अगर मैं पहले इसके एडवांटेज की बात करूं, इससे क्या होता है, तो एक तो कंपनी का इससे वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ता है, मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल शब्दों में कि अगर हमने प्रॉफिट कमाया लेकिन हमने डिस्क्लोज नहीं किया तो उस पर टैक्स हमने पे नहीं किया, और टैक्स अगर नहीं पे हुआ तो पैसा खूब सारा हमारे हाथ में दिखेगा। तो वो जो आपका है, आपके कंपनी का वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को ऑपरेशन के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा आपके हाथ में दिखेगा। इट इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम एज एंड वेन प्रॉफिट रिड्यूसेज। ये डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी के चलाने वाले लोग होते हैं बच्चे, उनको उनके लिए एक तरीके से क्या फायदेमंद है कि कल को बिजनेस का अनफेवरेबल, मान लो बिजनेस कुछ खराबी हो गया बाद में कभी, और बिजनेस में सच्ची में प्रॉफिट डाउन हो गया, कोई हैवी लॉस हो गया, तो जो सीक्रेट रिजर्व यानी कि खूब सारा पैसा जो बचा कर रखा हुआ है, हम उसको कवर अप कर देते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में बहुत सारा इम्पैक्ट निकल कर नहीं आता। तो वही कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, इट इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम एज एंड व्हेन प्रॉफिट रिड्यूसेज, द डायरेक्टर्स कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग। मतलब कल को मान लो कि उन्होंने प्रॉफिट आपका कम हो गया अगले वर्ष में, तो वो क्या करते हैं, जो सीक्रेट रिजर्व यानी कि पैसा जो छिपा के रखे हुए, उस पैसे से वो डिविडेंड का पेमेंट कर देते हैं, तो बिजनेस स्टेबिलिटी बनाना रहता है। पता है अगर आप बिजनेस में आप डिविडेंड टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को नहीं पे कर रहे तो उनका विश्वास खराब हो जाता है बच्चे, वो फिर आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। तो यहां पर उनको हेल्प मिलेगा इसको करने के लिए आपका। और कहता है कि कोई भी हैवी लॉस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर कैन बी मेट, कोई मान लो बाद में, अभी नहीं बाद में कोई हैवी लॉस हो गया, उसको हम आसानी से मेट कर सकते हैं क्योंकि खूब सारा पैसा हमने छिपा कर रखा हुआ है, और विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट, बिना इस फैक्ट को डिस्क्लोज किए बगैर कि कंपनी में कोई हैवी लॉस हुआ है। समझो मेरी बात यहां पे। उसी तरीके से ये तो आपका एडवांटेजेस था, डिसएडवांटेजेस जो मेन चीज है जो आपको जानना, ये तो गंदी बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जब आप कल को सीए सीएमए सीएस बन जाओगे ना तो ये सब करना ही पड़ता है मेरे बच्चे। अभी क्यों, अब छोटे छोटे बच्चे मैं ज्यादा बताऊं, खैर छोड़ो, आप देखो इसका डिसएडवांटेज क्या है। पहला कि बैलेंस शीट आपका ट्रू एंड फेयर पोजिशन नहीं बताएगा। समझ लो मेरी बात ना, जब हमने एसेट्स लायबिलिटी को ठीक से शो ही नहीं किया है तो ट्रू एंड फेयर मतलब अच्छा साफ सुथरा कैसे दिखोगे, नहीं दिखोगे, आपका डिसएडवांटेजेस है। शेयर्स की वैल्यू मार्केट में डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब पोजीशन मेरा यह है लेकिन मैं इससे छोटा अपने आप को दिखा रहा हूं, छोटे लोग छोटा वैल्यू, बड़े लोग बड़ा वैल्यू, तो अगर आप अपने आप को छोटा दिखाओगे मार्केट में तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी मार्केट में डाउन होगी। और शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। अगर हमने प्रॉफिट को अगर हम ज्यादा शो करते हैं तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिलता, कंपनी ने प्रॉफिट ही छिपा लिया, बताया नहीं कितना हमने कमाया, तो उस केस में क्या जो मालिक है शेयर होल्डर्स है उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हमने आपको सीक्रेट रिजर्व को, अगर कोई मतलब लेमेन पूछता है कि क्या होता है, तो हमारे पापा मम्मी जितना कमाते उससे कम दिखाना उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। ये कैसे किया जाता है, इसको हम हिडन रिजर्व भी कहते हैं। कैसे किया जाएगा, एसेट्स को कम पे दिखा के या लायबिलिटी को ज्यादा पे दिखा के। बनाते कैसे कैसे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रोविजन को बनाकर, आपका एसेट्स की वैल्यू को कम दिखा के, स्टॉक की वैल्यू कम दिखा के, गुडविल की वैल्यू कम दिखा के, लायबिलिटी को ज्यादा दिखा के, कंटिजेंट लायबिलिटी को रियल लायबिलिटी दिखा के, ग्रुपिंग ऑफ रिजर्व एज लायबिलिटी, रिजर्व जो हमने बनाए थे उससे कोई एसेट्स परचेज किया लेकिन हमने लायबिलिटी के रूप में दिखा दिया, ऐसी सारी बातें आप बता सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है ये भी बता दिया, डिसएडवांटेज क्या है ये भी बता दिया। मेरे बच्चे अब आपके इस चैप्टर का सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अब आपका काम पढ़ना रह गया, लिख लिख के प्रैक्टिस रह गया। आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, लिखे, आपको मजा आएगा और अच्छे एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। ये याद रखना, इस चैप्टर में जितनी सारी बातें हमने यूज किया है, जब तक अकाउंट्स आप पढ़ेंगे तब तक इसका यूज आपके लिए निकल के आएगा, बहुत सारी चीजें।
अभी इसमें और इंडेस बातें निकल के आती है, हमने अभी उतनी बातें आपको नहीं बताई क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, बड़े बड़े कोर्स में आएंगे, वहां पर मैं आपका डिस्क्लोज करना शुरू करूंगा उन बातों को। अकाउंट्स बहुत मजेदार है, बहुत बहुत असीम नॉलेज इसमें छिपा हुआ है, बट वो थोड़े बड़े होने के बाद। आज क्लास को यही रोकते हैं मेरे बच्चे, अगली क्लास में कुछ नया चैप्टर। आप सबको तब तक बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।